हमें निराशा इस बात की जरूर है कि सीट घोषणा से पहले कम से कम एनडीए के में शामिल तमाम दलों के नेताओं के साथ एक बार बैठक हो जानी चाहिए थी। और अगर कोई लोग ये सपना देख रहा है कि सीटों के चक्कर में एनडीए टूट जाएगा तो ये संभव नहीं है। एनडीए मजबूत है। देखिए 24 सीटों पर हो रहे एमएलसी के चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए माननीय मंत्री विजय चौधरी जी का फोन आया था। चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी और हमारे मंत्री जी यहां मौजूद नहीं थे, इसलिए हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई लोग शामिल नहीं हो पाए। हालांकि हमने 2 सीटों की डिमांड जरूर करी थी और उस पर यह बताया गया था जेडीयू के नेतृत्व के द्वारा कि चूंकि 6 महीने पहले से एमएलसी चुनाव की तैयारी होती है और जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पूर्व से तैयारी कर रखी है, इससे यह सीट देना संभव नहीं है। हां, हमें निराशा इस बात की जरूर है कि सीट घोषणा से कम एनडीए के में शामिल तमाम दलों के नेताओं के साथ एक बार बैठक हो जानी चाहिए थी, तब सीटों की घोषणा करी जानी चाहिए थी। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि अपने 2 सीटों की वजह से हम बिहार का सर्वनाश नहीं कर सकते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हर तरफ विकास हो रहा है। और अगर कोई लोग ये सपना देख रहा है कि सीटों के चक्कर में एनडीए टूट जाएगा तो ये संभव नहीं है। एनडीए मजबूत है। हालांकि विधान परिषद के चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी उसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी गया से जैसे पटना लौटेंगे हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे कि इसमें हमारी क्या भूमिका होगी और किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है। लेकिन अगर जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि सीटों की वजह से एनडीए टूट जाएगा, वो ये सपना देखना बंद कर दे। एनडीए मजबूत है, एनडीए इंटैक्ट है।